राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील ब्लॉक जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगाज सच दिखाने का हम है आपकी आवाज। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में आगामी 30-31 दिसंबर को मनाए जा रहे ओमकार महोत्सव की तैयारियों के चलते एसडीएम पुनासा श्रीमती ममता खेड़े ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सोमवार नागर घाट पर 200 तुलसी के पौधों का रोपण किया है। पुनासा एसडीएम श्रीमती ममता खेड़े ने बताया कि 30 और 31 दिसंबर को आयोजित होने जा रहे ओमकार महोत्सव की तैयारियों के चलते तुलसी के पौधे आगंतुकों के आकर्षण का विशेष केंद्र रहेंगे। वहीं पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं को भी तुलसी प्राप्त होती रहेगी। इस अवसर पर जनपद सीईओ मनीष भारद्वाज, नप सीएमओ राजा यादव, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक शीला सांवरे सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। महोत्सव की तैयारी के संबंध में नागर घाट पे वृक्षारोपण अधिकारी के निर्देश पर वर्तमान में किया जा रहा है। इसमें तुलसी वगैरह के पौधे तिरुपति ग्रीन नर्सरी की तरफ से खरीद दिए गए हैं। इसका आज यहाँ पर लगा रहे हैं। करीब 300 तुलसी के पौधे हैं, केली है, उसके बाद दूसरे जो भी इस टाइप के पौधे हैं, कनेर वगैरह, वो लगाए जा रहे हैं। तैयारी को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है और पूर्वास के पूर्व जो तैयारी होना चाहिए उसकी तैयारी हम कर रहे हैं लगातार। इसमें साफ़ सफाई है, लाइटिंग की व्यवस्था है, वो चल रही है। माननीय एसडीएम साहब एवं कलेक्टर साहब के निर्देश पर ये सब तैयारी चल रही है। इसके अंतर्गत हम दीवारों पे कई वगैरह भी करा रहे हैं, कुछ लेखन वगैरह भी करा रहे हैं। ओमकारेश्वर से आनंद राठौर की रिपोर्ट। पर समय जगत एक संदेश पूरा देश।